हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और मेरा एक खुद का पैरट का और पिजन का ब्रीडिंग फॉर्म है। हम लोग देखेंगे, जाएंगे ऊपर। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ होने वाला है, ठीक है। मेरे पास एक इनक्यूबेटर है, जो जिस इनक्यूबेटर को लेके मैं अपने पैरट्स के और जो पिजन्स के, जो महंगे पिजन्स हैं करीबन 70-80 हज़ार या फिर 1 लाख रुपए का, तो उन सारे के सारे पिजन्स को मैं ब्रीड कराता हूँ। एंड उसके बाद मैं उनके एग्स को लेके हैच करवाता हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे एक पिजन के इंक्यूबेटर में पिजन को हैच करवाया जा रहा है। ठीक, और अभी जो एट दिस पॉइंट अभी रात के करीबन 12 बज चुके हैं, 12:15 बज रहा है, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट हम लोग जो देखेंगे कि ये पिजन जो है, पिजन का एक मेरे पास एक क्रिमिनो का पिजन है, दैट वाज सेल्फ ब्रेड बाय मी। उसके बाद मैं जो उसका जो क्रॉस ब्रीडिंग है, उस क्रॉस ब्रेड को हम लोगों ने देखे बहुत सारे दिनों का एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा कि नए नए ब्रीडिंग पेयर्स आने चालू हो गए, और उसके बाद एक नया वाला इंक्यूबेशन सिस्टम हम लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि चीज़ें कैसी हैं यहाँ पे, एक इंक्यूबेटर का किस तरह के से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये है मेरा इंक्यूबेटर। तो दिस इज़ अभी आज यहाँ का टेम्परेचर देखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि दैट इज़ 37.8। सो हम लोगों को दैट इज़ अराउंड 37.7 के आसपास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। एंड दिस वन शुड बी फ्रॉम 68 to 74, हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका जो हम लोगों का जो 71 to 74 है, इसका मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। और दिस इज़ द सिंबल ऑफ फैन। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक एग कैंडलर भी है लगाया हुआ, तो अभी देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। लुक एट दैट, इसमें हम लोगों का जो पिजन का एग्स मैंने दिया हुआ है, दिस इज़ जस्ट नॉर्मल पिजन, देसी पिजन्स एग, दिस इज़ वाइट फैंटल्स एग, ये हैच होने वाला है। अभी जो ये चीज़ है, हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं। अभी आप देखोगे, इसको मैं रिसेट करता हूँ बटन को, तो इसमें आप देख सकते हो कि रिसेट करने के बाद मैंने जो दो चिक्स है ना, अभी ये अलार्म दे रहा है क्योंकि इसका ह्यूमिडिटी कंट्रोल बोल रहा है कि इसका ह्यूमिडिटी कम हो रहा है, तो मैं इसको अभी टर्न ऑफ कर दूँगा। चलो, टर्न ऑफ कर दिया इंक्यूबेटर को। अभी देखो यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा सा बेबी हैच हो रहा है। देखो, ये मेरा जो है, ये अमेरिकन ब्लैक फैंडल का एक बेबी है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको हल्के से उठाना होता है, हम लोगों को बहुत ही हल्के से स्लोली इसको उठाना है, ठीक है। लुक एट दैट, अभी आई होप ये फोकस में आ गया। अभी ये इसका जो हेड है ना, ये हेड ये पीछे की तरफ है इसका हेड, ठीक है। अगर हम लोग बीक को देखें, इसके बीक को, तो ये पीछे की तरफ से निकल रहा है। ये जो बेबी है, ये बहुत ही छोटा सा बेबी था, तो इसका जो क्लॉ है, छोटे छोटे क्लॉज, हम लोग अभी ये फोकस में आ जाएगा। हाँ, देखो कितना सुंदर लग रहा है। एंड शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू हैच इन माई हैंड। ये APF का मतलब है अमेरिकन ब्लैक फैंटल जो है, ये उसका बीक बेबी है। देखो कितना ज़्यादा ओपन हो गया, एंड दैट्स रियली mesmerizing। मेरा हाथ पूरा सैनिटाइज कर दिया है मैंने, एंड देन आई एम नॉट गोना लिव इट टूडे। और जब कल ये हैच हो जाएगा, मैं उसका भी एक वीडियो आपसे शेयर कर दूँगा। तो ये टोटली जब हैच हो जाएगा, ये एक निकल जाएगा, एक से बेबी टोटल जब आ जाएगा, तब हम लोग इसको उसके जो ओरिजिनल मॉम है, उस मॉम के पास इसको छोड़ देंगे। देखो आराम से निकल गया एक, हम लोग इसको यहीं पे रखेंगे। इसका जो शेल है, इसका जो हेड है ना, वो नीचे की तरफ है अभी भी, ठीक है। यहाँ पे बिक रहता है, वो निकल लेगा अपने आप, ठीक है। तो एंड देन
यहाँ पे जो है, दिस इज माई क्रिमिनो फेंटल सेक, ये देखो, देखा ये छोटा वाला बिग आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो आप अगर चाहते हो कि अपना खुद का, जैसे कि यहाँ पे एक व्हाइट फेंटल है, इसका भी हम लोग वीडियो बना के आपको दिखाएंगे बाद में। सो जो भी है, इसका अगर हम लोगों को करना है ऐसे इस तरह से हैचिंग, आप कोई भी चिकन इनक्यूबेटर उठा लो, दैट हैज़ टू बी सेमी ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटिक, ठीक है? क्योंकि मैं बिल्कुल जो मैनुअल सिस्टम है ना, मैनुअल सिस्टम पे मैं यकीन नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैनुअल सिस्टम जो है, मैनुअल सिस्टम में प्रॉब्लम है इनक्यूबेटर का, कि आपको जो टेम्परेचर मैनिपुलेशन और कैलिब्रेशन है वो आपको खुद से करना होता है। बट आज हम लोग जो देख रहे हैं ना, तो मैंने बस इसका जो बक्सा है ऐसे ही इसको रख दिया है, ताकि इसका जो हीट है ना, ये हीट ज़्यादा ना निकले। अभी ये एरर दिखा रहा है, देखो यहाँ पे 42 डिग्री, मतलब 42% हो गया ह्यूमिडिटी, तो ये कम हो जाएगा। और यहाँ पे ये टाइमर दिखा रहा है, अगर मैं इसको रिसेट मारता हूँ तो ये एक्चुअल में दिस इज़ डे 18, क्योंकि मैं इसको कैलिब्रेट ऐसे किया हुआ है कि मुझे हर वक्त यहाँ इसको कंटिन्यूएशन में रखना होता है। दैट्स वाई मैं क्या करता हूँ, इसको कभी भी वैसे उतना ज़्यादा रिसेट नहीं करता हूँ, बस वैसे ही हर बार ये कंटिन्यूएशन में चलते ही रहता है। लेकिन आप लोग अगर एक ही टाइम में अंडा इसके अंदर डाल दो, तो हो सकता है कि हम लोगों को बहुत अच्छा एक मतलब। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे इनक्यूबेटर्स के अंदर हम लोग काम करते हैं, ठीक है? एंड इसमें जो एक और भी चीज़ है, जैसे कि आप मान लो कोई भी चिकन एग हो, या फिर आपको हायसिंथ मैका हो, या फिर ब्लू गोल्ड मैका हो, यहाँ तक कि कोकेटोस के एग्स भी करवाने हैं हैच, तो आप लोग करवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, ठीक है? सो दैट्स फॉर राइट नाउ, और पूरा हैच हो जाएगा तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा, और बहुत सारे ब्रीडिंग रिजल्ट्स मेरे पास आए हुए हैं, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन कौन से जो बर्ड्स हैं। और मेरा ये शायद तीसरा या चौथा ब्लॉग ही होगा, तो अब से मैं रेगुलरली ब्लॉग्स में आऊँगा, बर्ड्स के ट्रीटमेंट के ऊपर, बर्ड्स के दाना पानी के ऊपर, आपके आपके लिए, सारे दुनिया के लिए। ये हम लोगों का थोड़ा सा एक एफर्ट है एक स्पीशीज़ को कंजर्व करने का, और साथ में शौक का शौक भी होता है, बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी आता है, साथ में एक स्पीशीज़ भी बचता है। तो हम लोग अभी भी जो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नए ब्रीड्स को जो बहुत ज़्यादा दिन तक सस्टेन करें, देखने में भी सुंदर हो, और बहुत कम कंजम्पशन में हम लोग इसको रिसाइकल करके, चीज़ें रिसाइकल करके बर्ड्स को पाल सकते हैं, वो भी हम लोग इसके साथ ही जोड़ देंगे, ठीक है? सो फॉर राइट नाउ इट्स टाइम टू गो, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।